किस पे क्वेश्चन है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस एंड क्यू फैक्टर। तो इसके बेस पे क्वेश्चन नंबर 37, बहुत चांस है एलसीआर के ऊपर न्यूमेरिकल आने का। फाइंड इंपीडेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। इंपीडेंस क्या होती है? जेड। इफ रिएक्टेंस ऑफ सी एंड एल ओम्स है, तो ये एक्स सी है और एक्स एल है। एंड आर इज गिवन, एक्स सी पता है, एक्स एल पता है और आर भी पता है, और इंपीडेंस का फॉर्मूला भी पता है आपको, तो लगा लेना इंपीडेंस का फॉर्मूला एलसीआर में आंसर। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन में आप एक चीज ऑब्जर्व भी करेंगे, अब इसमें नहीं है, एक्स एल एक्स सी ज्यादातर बराबर भी देता है वो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन रेजोनेंस पे चलते हैं, पर वो आप ये हमेशा अज्यूम नहीं कर सकते, अगर बराबर नहीं है तो आपको पुट करना ही पड़ेगा। जैसे रजिस्टर ऑफ आर पता है, इंडक्टर ऑफ एल पता है, कैपेसिटर ऑफ सी पता है, सीरीज में 230 वोल्ट ईआरएमएस है, फाइंड इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। तो पहले क्या निकलेगा? एक्स एल एल ओमेगा, फिर क्या निकलेगा? एक्स सी वन बाय सी ओमेगा, फिर क्या निकलेगा? जेड आंसर। देख रहे हो एक्स एल एक्स सी फिर से बराबर आ गया, वो चांस की बात है क्योंकि रेजोनेंस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पर जरूरी नहीं है, तो आप सॉल्व करोगे आंसर। समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट, व्हाट विल बी दी रीडिंग इन वोल्ट मीटर एंड एम मीटर। पहले मुझे ये बताओ XL और R सीरीज में है कि पैरेलल में है? XL और R कितने लोग बोलते हैं पैरेलल में है, कितने बोलते हैं सीरीज में है? XC और XL सीरीज में कि पैरेलल में? ठीक है, अगर तुम बोर्ड का पेपर प्लस टू का देने उतरे, तुम सपने में सोच भी मत लेना कि तुम्हें पैरेलल में कोई क्वेश्चन आएगा, गारंटीड सीरीज है, क्योंकि सिलेबस में ही LCR सीरीज है, ये सीरीज है तीनों के तीनों। भाई वोल्ट मीटर तो जब मशीन है जो वोल्टेज चेक कर रही है दो पॉइंट में, वो कुछ काम तो ना कर रही, आइडल वोल्ट मीटर है, इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, यहां से जो करंट आएगा ये तो लेगा ही नहीं, ऐसे पास कर देगा। गलती से भी पैरेलल बोल भी मत देना, आएगा ही नहीं पेपर में पैरेलल, आएगा ही नहीं पैरेलल, बात ही खत्म है ना। जंक्शन कहां है? जंक्शन आप कह रहे हो जंक्शन है, ओके, ये करंट आया, ये करंट आया, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, कहता मैं तो करंट लेता ही नहीं, तुम अपना पास कर लो, खत्म, मेरा काम तो बस वोल्टेज मेजर करके बताना है, मैं लूंगा नहीं तुमसे कुछ भी, ये इसका मतलब। तो इसलिए गलती से भी पैरेलल आपको आएगा ही नहीं, एलसीआर सीरीज ही आएगा, बस खत्म, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। सही है, मतलब तुम्हें ना भी दी गई तब भी तुमने सीरीज ही बोल देना है, सीरीज है। ठीक है, देखो नेक्स्ट है, तो अब ये सीरीज में है, सीरीज में तुम्हें एक्स सी पता है, एक्स एल पता है और आर पता है, इंपीडेंस निकाल लो। एम मीटर क्या रीड करता है हमेशा? आई आर एम एस। आई आर एम एस क्या होता है? ई आर एम एस बाय जेड, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। ई आर एम एस आपको क्वेश्चन में पता है कितना? 90। ई आर एम एस है, जब कुछ मेंशन ना हो तो ई आर एम एस है, डिवाइडेड बाय जेड आपने निकाल लिया आंसर। अब वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा? देखो वोल्ट मीटर इन दो पॉइंट्स में कनेक्टेड है, तो वो वोल्टेज ये मेजर करेगा, चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से, एक ही बात है, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, चलो यहां से निकाल लेते हैं। नेट वोल्टेज की वैल्यू मैंने आपको एलसीआर में क्या करवाई थी? वीआर का स्क्वायर वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। प्रॉब्लम यह है कि इनके बीच में आर कनेक्टेड ही नहीं है, अगर आर कनेक्टेड ही नहीं है तो नेट वोल्टेज क्या बनेगी? वी एल माइनस वी सी, या फिर आई इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी। अब XL XC तो बराबर ही है, तो फिर VL VC के बराबर है, नेट वोल्टेज क्या आएगी? जीरो, कुछ भी रीडिंग नहीं आने वाली। जब भी XL XC के बराबर होगा, सुन लो शॉर्टकट है, जब भी XL XC के बराबर होगा पक्का रेजोनेंस है, सामने तो है, और अगर रेजोनेंस है तो नेट रेजिस्टेंस इनकी पक्का जीरो आएगी, काटेंगे काटेंगे एक दूसरे को, XL माइनस XC, वोल्टेज भी कटेगी कटेगी, VL माइनस VC। तो आंसर
सही है ना, देखते ही पता, मतलब कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, पता लग जाए अगर एक्सएल एक्ससी के इक्वल है तो वीएल भी वीसी के इक्वल ही है, बात ही खत्म। समझ में आ रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट थ्री, हेनरी इंडक्टर, एल पता है, सी पता है, आर पता है, सीरीज में ई आर एम एस पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, इम्पिडेंस निकाल लो। पहले एक्स एल निकलेगा, फिर एक्स सी निकलेगा, फिर जेड निकलेगा। तो एक पार्ट तो बिल्कुल ही क्लियर है इसमें, ये लो जेड निकलेगा। करंट फ्लोइंग इन दी सर्किट आई आर एम एस, आई आर एम एस क्या है, ई आर एम एस बाय जेड, ई आर एम एस बाय जेड आंसर। ठीक, कोई डाउट इसमें? सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टर 12 ओम, कैपेसिटर एक्स सी पता है, इधर देखो इसमें एक तो आपको आर पता है, कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस यानी कि क्या पता है, एक्स सी पता है, इंडक्टेंस हेनरी, हेनरी का मतलब एल है, एक्सएल नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना, एक तरफ से एक्स सी है, एक तरफ से सिर्फ एल है, तो एक्स एल निकालना पड़ेगा एल ओमेगा से, जानबूझ के उसने ऐसा किया, एक्स एल निकालना पड़ेगा। ई आर एम एस पता है, करंट निकालो, तो तुम पहले एक्स एल निकालना एल ओमेगा से, फिर आर पता है, एक्स एल निकल जाएगा, एक्स सी पता है तो जेड आ जाएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व होगा, जेड आ गया, अब जेड आ गया तो आई आर एम एस क्या होता है, ई आर एम एस बाय जेड, ई आर एम एस पता है, जेड पता है आंसर। और अगर टेन फाई में फाई निकालना है तो एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर, यहीं तक छोड़ देना टेन इनवर्स में, तो टेन फाई तो ईजी है निकालना। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट, इसके अंदर एक फिगर है आर सी एल सीरीज में है, एल पता है, सी पता है, आर पता है, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ई आर एम एस पता है, क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है। कब? जब सिस्टम रेजोनेंस में है। रेजोनेंस में ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, वन बाय अंडर रूट ऑफ एल सी, एल पता है, सी पता है, आंसर। एक आंसर, दूसरा क्या निकालना है इसमें, करंट इन द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, करंट कौन सा, जब मेंशन नहीं है तो आई आर एम एस, आई आर एम एस क्या होता है, वी आर एम एस बाय जेड, पर प्रॉब्लम यह रेजोनेंस है, रेजोनेंस में जेड किसके इक्वल होता है, आर के, तो तुम जेड की जगह सिंपली क्या पुट कर दो, आर, वी आर एम एस पता है, आर पता है, आंसर। नेक्स्ट पार्ट भी क्लियर है, रेजोनेंस में याद रखना जेड किसके इक्वल है, आर के, और आर एम एस पोटेंशियल ड्रॉप वी आर एम एस निकालना है कैपेसिटर के अक्रॉस, कैपेसिटर में वोल्टेज क्या होगी, आई इंटू एक्स सी, एक्स सी क्या है, वन बाय सी ओमेगा, कह रहे एट रेजोनेंस का मतलब ये फ्रीक्वेंसी शुड बी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो ए पार्ट में ओमेगा निकाल चुके हैं, पुट कर देना, आई आर एम एस पता है, एक्स सी पता है, आंसर। ठीक है, ये इजी है। नेक्स्ट ये करना 44, बता दो, दो चार, एक दो, क्वेश्चन है, रजिस्टर आर पता है, इंडक्टेंस एल पता है, कैपेसिटर के साथ है, ई आर एम एस पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, कैलकुलेट कैपेसिटेंस सो दैट सर्किट रेजोनेट्स। अब यानी कि फ्रीक्वेंसी जो 50 की है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, एफ इज 1/2 पाई रूट एल सी, यहाँ से सी आ जाएगा, एक मुश्किल पार्ट है कैलकुलेशन, गंदी कैलकुलेशन इस चैप्टर की वैसे। करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर क्या होगा, तो करंट क्या होगा, देखो रेजोनेंस वर्ड आ गया, तो वैसे तो करंट क्या होगा, ई आर एम एस बाई जेड, पर जेड किसके इक्वल है यहाँ पर, आर, तो करंट आ गया, फिर आई इंटू एक्स सी से क्या जाएगी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वी इक्वल टू आई आर। ये देखो इंडक्टर क्वाइल ज्वाइन टू 6 वोल्ट बैटरी, ध्यान से 6 वोल्ट के आगे बने बैटरी, बैटरी का मतलब ये क्या है, डीसी, 6 वोल्ट बैटरी डीसी करंट है, डीसी वोल्टेज डीसी करंट सिर्फ आपको क्या दे सकती है, आर, आर आ गया। अब वो क्या कह रहे हैं, दिस
कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज एसी सप्लाई 6 वोल्ट, ईआरएमएस पता है। इफ करंट इन दिस सर्किट इज इन फेज विद ईएमएफ, मुझे सिर्फ ये बताओ कॉस फाई की वैल्यू क्या होती है, आर बाय जेड। करंट वोल्टेज सेम फेज का मतलब फाई क्या हो जाएगा, जीरो। कॉस फाई जीरो का मतलब आर किसके इक्वल है, जेड। इसका मतलब क्या हो गई, रेजोनेंस, क्योंकि जेड जब आर के इक्वल होता है रेजोनेंस। तो ये भी तरीका है बोलने का, रेजोनेंस बोला नहीं, रेजोनेंस बोल दिया, करंट और वोल्टेज सेम फेज में, इसका मतलब अंडरस्टूड है, ये रेजोनेंस है। समझ में आ रहा है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट लाइन है रेजोनेंस की, ठीक है यहां तक। तो ये रेजोनेंस है, रेजोनेंस में जेड और आर बराबर है, फिर करंट निकाल दो, ई आर एम एस बाय जेड, जेड की जगह आर पुट करके आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको यहां तक,